अरे मेरे भाई अरे कहां तो भागे कब से भाई मेरे। कोशिश ठीक कर रहा है कोई बात नहीं, ये हम लोग इंस्टाग्राम वाले लोग नहीं है तो इतना हमको पता नहीं कैसे करते हैं क्या है। पर हो तो गया ना आखिर। जस्सी हाउ आर यू डूइंग बड़ी। गुड गुड गुड, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, चिल कर रहा हूँ अभी। और क्या, घर पे हूँ। मैं देख रहा था कि चहल भी कुछ लिख रहा है, ये भी लिख रहा है। चहल एक्सपर्ट है, मैंने उसका ऐसे ही वीडियो एक देखा था, तो मैंने देखा उसमें भी वो इंस्टाग्राम पे है, तो मैंने बोला थोड़ा सोशल मीडिया को आराम दे सकता है वो। चहल इस चैट पे अभी लिख रहा है कि लाइफ में इतना कुछ हो अब फिर रहा है, कुछ लिख रहा है वो। लाइफ में इतना कुछ हो रहा है और आप लोग को इंस्टाग्राम की पड़ी है। मैंने बोला, मैं उसको बोल रहा था ये सड़ा हुआ सब वीडियो जो तू डाल रहा है ना, पहले वो बंद कर। वो अभी वो टिकटॉक स्टार हो गया है, उसमें मैंने देखे उसके वीडियोस, टिकटॉक को फेमस, टिकटॉक स्टार हो रहा है वो अभी। जबरदस्ती फेमस कर रहा है टिकटॉक को। तो जैसे अभी आप, अगर आईपीएल होता तो अभी चालू हो गया होता। अभी आईपीएल होता तो आज क्या तारीख है? 1 तारीख है भाई, आज हमारा हैदराबाद के साथ मैच होता शायद। अभी क्रिकेट तो ऐसा लग अभी रहा है कि 7:44, मतलब अभी मैं जस्ट तुम लोग को ड्रेसिंग रूम में आके बोल रहा होता कि भाई हम टॉस हार गए या जीत गए, बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। नहीं, हैदराबाद में तो यूजुअली हम टॉस हारते ही हैं हाँ यार, हमने इतने साल से, सारे मैच हम हारे ही मुझे हैं तो टॉस। याद नहीं है कि कभी टॉस जीते। ये लास्ट ईयर भी सीएसके के साथ फाइनल में टॉस हारे थे हम शायद यार। नहीं, नहीं, चल हाँ चल पता जीते। नहीं, उसमें जीते थे। अच्छा हाँ, नहीं, हैदराबाद में जब भी मैच होती है थोड़ा ज्यादा टेंसिटी हो जाती है, एंड तक जाती है तो थोड़ा हो ही जाता है प्रॉब्लम। हैदराबाद यार लो स्कोरिंग ग्राउंड है यार, मतलब 2 बार हम जो जीते वैसे ही जीते, बट बाकी लोग टीम जब जाते तो 200-200 करते हैं। हम पता नहीं यार, हमारे लिए 120 भी काफी मुझे है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैदराबाद का ग्राउंड बड़ा है, बॉल रिवर्स स्विंग होता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको बॉम्बे में से तो अच्छा हैदराबाद में खेलना अच्छा है। और बॉम्बे, मतलब सिर्फ ग्राउंड, टीम बॉम्बे, नहीं। बॉम्बे, बॉम्बे टाइम पे होता है ना, ग्राउंड डिफिकल्ट है, टीम तो वही अभी है लेकिन अभी जैसा जैसा वेदर अभी हुआ है बॉम्बे में, मुझे नहीं लगता कि इस साल ज्यादा ड्यू आता था तो सारे अपने बॉलर लोग खुश होते थे यार। क्यों क्यों गर्मी? ड्यू तो गर्मी के वजह से आता है, अभी गर्मी नहीं गर्मी थी नहीं है ना उधर। इस बार यार। अभी मैं जस्ट अपना बैल्कनी में मैं बैठा हुआ था, बैल्कनी का दरवाजा खोला, इतना ठंडा हवा चल रहा है बॉम्बे में, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया भाई। तो वही ना, वो हम लोग को भगवान चाह नहीं रहे कि इजी मिले हाँ हमको मुश्किल ही चीजें देना चाह रहे हैं। पर अभी आपकी इंजरी और वो सब ठीक हो गया, आप ठीक यू हो आर गया यार, ओके। मैं तो वेट ही कर रहा था खेलने का, बट मुझे तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वही बात की थी कि कब ज्वाइन करने वाले हैं, अभी ज्वाइनिंग का शुरू होने वाला था, उससे पहले ही सब लॉकडाउन ही हो गया, बंद ही हो गया सब। ये सब सब खराब हो गया यार जो भी हुआ। बट एनीवे, अभी वो तो आप मतलब यार फिटनेस वाइज कैसे क्या हो हुआ अभी? हाउ आर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ? फिटनेस वाइज? तो अभी क्या फिटनेस वाइज तो थोड़ा कर रहा है आपने अगर पता नहीं देखा कि नहीं, थोड़ा घर का काम ही कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा झाड़ू कट का कर रहा हूँ, मम्मी को बर्तन धोने में मदद कर रहा हूँ, और कभी कभी पार्ट टाइम माली भी बना हुआ हूँ, तो झाड़ों में पानी भी डाल रहा हूँ। मेरे ख्याल से सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं सारे ये काम में बहुत मशहूर होंगे, क्योंकि बचपन से हम सारे लोग यही करते आ रहे हैं। मे बी 1 या 2 क्रिकेटर होंगे पूरे अपने इंडिया में जो जिनको मतलब अच्छा लाइफस्टाइल पहले से ही मिला हो, बट हम सारे लोग तो पहले यही सब काम करते थे, तो हमारा बचपन याद आ गया अभी। नहीं, मैं मतलब हमने किया है, पर अभी बहुत टाइम बात कर रहे हैं तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है अजीब अभी। अजीब सा बस लग रहा है। मैं तो क्या पता नहीं, उठ के मैं सोच रहा हूँ आज क्या करना है, अभी तो कोई काम होता नहीं है, तो बस जो काम हमें घर वाले दे देते हैं वो हम करने लगते हैं। या फिर ये मेरा जो रूम है, जो यहाँ मैं प्ले स्टेशन खेलते रहता हूँ, या मैं यही होता हूँ पूरे दिन, अगर मैं दिखाता हूँ देखो, मैं ये रूम में बैठा रहता हूँ और यहाँ बैठे रहता हूँ। काफी सारी ट्रॉफीज दिख रही है मुझे वहां पर भाई। हाँ, ये अभी वो हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसका ये हाँ मेरा गेमिंग रूम है, तो मैं ओ यहाँ यहीं बैठ रहता हूँ जब मेरे दोस्त भी आते हैं, पर अभी तो दोस्त काफी हाँ, टाइम से आए नहीं, पर मैं यहीं बैठ रहता हूँ, या मूवीज देखता हूँ या प्ले स्टेशन खेलता हूँ अहमदाबाद में वो अभी सभी। कैसा है माहौल सब? लाइक मतलब डिसिप्लिन फॉलो हो अहमदाबाद रहा है में लोग अभी डिसिप्लिन? इतना अभी थोड़ा
लॉकडाउन अच्छे से हुआ है, लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग अभी है नहीं, और यहाँ पे तो देख रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, तो अच्छा है लोग सुन रहे हैं बात, तो होपफुली चीजें इंप्रूव होगी। बट हमने तो सोचा ही नहीं था जब हम न्यूजीलैंड में थे, जब हमने सुना था ऐसा है, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि मतलब घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा लाइफ टाइम लाइफ में अपने कि ऐसा हो सकता है। बॉम्बे की सड़कें खुली मतलब एकदम सुनसान हो चुकी है, और ऐसा कभी बॉम्बे में हुआ नहीं इतने इतने कई सालों से यार। अभी मतलब बॉम्बे क्या पूरे वर्ल्ड में अभी एकदम स्टैंड स्टिल का बंद हो माहौल गया। नहीं, वही तो यही बोल रहे थे कि यार। वर्ल्ड वॉर के बाद शायद अभी क्रिकेट बंद हुआ है, कभी ऐसे बंद ही नहीं हुआ है क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट का सभी बंद हो, बट वो बट आई होप मेरे यार ये मेरे सा दोस्तों ने, ये बंद ये सब चीज हमारे ऊपर है। अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे सारे लोग तो ये जल्दी खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। सिंपल सी बात है। हाँ अभी कोशिश तो कर रहे हैं लोग, जितना हेल्प कर सके लोग सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। पर मेरे बढ़िया। दोस्तों ने मुझे आज एक इंटरेस्टिंग स्टैट भेजा है। हाँ इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि हमारी गेम हम 70 बार खेले हैं साथ में, और हमने आज तक कभी साथ में बैटिंग नहीं की, ऐसा कहीं उन्होंने ओए मुझे कभी एक एक ऐसा स्टैट भेजा है। तो मैंने बोला अगर हम लोग साथ में बैटिंग कर रहे हैं या तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है हम लोग की तो वो जितना ना आए वही अच्छा है। बात तो सही है, क्योंकि एक बंदा पहला बॉल खेलता है मैच का और दूसरा बंदा है जो हो सकता है इनिंग का लास्ट बॉल खेल देखो दे। लास्ट बॉल तो आई थिंक जस्सी यार तेरे को अभी थोड़ा ऊपर बैटिंग करना चाहिए, 7-8 नंबर पे आना चाहिए भाई। चहल वहल सात को आठ तो बैट नंबर चहल से तो अच्छा ही बैटिंग कर लेता है यार। चहल चहल को मैंने ये बोला है कि चहल से मेरे को ऊपर सच में जाना चाहिए, क्योंकि चहल जब छक्का मारेगा तब उसको जाना चाहिए मेरे बुरा मेरे ए बाद, ले क्योंकि ले अभी तक ये इंटरनेशनल एक छक्का नहीं मारा है। एक 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 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ अभी। ये इधर एक गेस्ट एक एक है इधर गेस्ट, इसको देख, इसको इसने आज तक किसी का इमिटेट नहीं किया, बट तेरे को बराबर करेगी वो। हाँ हेलो, हाय व्हाट इज बूम बूम डू बोल, बूम बूम बोल्स लाइक दैट, हाउ इज बूम हाउ डू आई बूम बोल, या नो बाय शी इज फीलिंग शाय नाउ, बाय बोल दे तेरे को। ये थैंक यू हो गया मेरा हाँ हाउ इज बूम बूम बोल, शो मी हाउ डज बूम बूम बोल बाबा, लाइक दैट, ओह लाइक दैट, वो शायर हो गई है, वो नहीं नहीं वो जो शायर अरे हो गई। भाई वो सबसे पहला उसने क्रिकेट का किसी का एक्शन किया है तो वो तेरा किया है। अच्छा है ना, उसकी चॉइस अच्छी है, बहुत बढ़िया अच्छा चॉइस। बॉलर सेलेक्ट किया उसने हाँ हाँ, बट मैंने उसको बोला बॉलिंग बॉलर नहीं बनना चाहिए यार, अगर बनना ही है कुछ तो बैट्समैन बन जा। पर क्रिकेटर क्यों बनवा अरे नहीं मेरी बीवी मार रही क्रिकेटर है यार उसको, क्रिकेट विकेट कुछ नहीं खिलाना है मुझे, जो करेगी नहीं, वो तो चल रही जो जो अभी मर्जी अभी तो क्या यार, अभी 1 साल 1.5 साल की है यार। तो अभी मेरी तो बीवी मुझे बताती है भाई यू आर आई नो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विद योर डाइट, बट तुम दोनों आपस में बड़े जंक फूड की बातें करते हो यार। सो व्हाट इज हाँ योर, इन्होंने तो अभी क्या जंक फूड का क्या है मतलब, व्हाट व्हाट इज द सिचुएशन, कुछ खाया कि नहीं वहां पे? मैंने अहमदाबाद में सुना है वो जस्सूबेन खतरनाक है एकदम, क्लास है। अभी तो सब बंद है, अभी तो कहाँ बाहर से, नहीं नहीं पर अभी नहीं मतलब मैं ये पहले खाया है, पहले खाया है। हाँ ये जब भी कुछ खाते हैं ऐसे पेस्ट्रीज या ऐसे कुछ भी, तो ये मुझे भेजते हैं कि देखो मैं खा रही हूँ एंड तुम नहीं खा सकते हो। तो मैंने बोला ये थोड़ा ऐसे अच्छी बात नहीं है कि बेचारे जो बंदा नहीं खाता है और जो नहीं खा पा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना मतलब खाना अच्छा नहीं लगता है, वो तो डाइट के हिसाब से। पर अभी तो कुछ भी डाइट नहीं, अभी तो जो घर वालों ने बोला है कि जो बनेगा चुपचाप खा लो नहीं तो खुद बना लो। अब खाना तो बनाना आता नहीं है, तो जो मम्मी बना रही है वो हम खा रहे हैं। अगर यार एक मुझे एक पूछना था इसलिए, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग पूछ रहे कि फास्ट, मुझे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फास्ट बॉलर्स लोग कैसे घर में बैठ के क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं क्योंकि मैं तो बैट्समैन हूँ, मेरा अलग होगा जो भी होगा, बट यू आर अ बॉलर, सो अभी घर में बैठ के व्हाट आर द एक्सरसाइजेज और व्हाट काइंड ऑफ रूटीन इफ अ यंग बडिंग बॉलर हु जस्ट प्रोबब्ली स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट नाउ और हु वाज इन द थिक ऑफ थिंग्स, सडनली अभी सब बंद हो गया, तो वो लोग बाहर तो जाके कुछ करने लगते, जिम विम सब बंद है, तो घर में रह के क्या, व्हाट कैन दे डू?
बहुत एक्सरसाइज है तो हम लोग, मैं भी अभी वही, हम लोग के लिए भी अभी एकदम ही नया ये चीज है कि मतलब घर पे बिल्कुल ही बंद, मतलब बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जा सकते, मुश्किल है। हम लोग के पास कुछ कुछ चीजें हैं अवेलेबल, शायद सब लोगों के पास है नहीं, पर बैंड वो थेरा बैंड हो गया कि मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गई। बट इससे हम, मैं जो अभी कर रहा हूँ कि मैं जो, आप चैपी भी है हमारा ट्रेनर मुंबई हाँ इंडियंस का, उससे मैंने प्रोग्राम लिया, तो वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस तो मतलब हो गया जंप स्क्वाट्स, हो गए लंजेस, पुशअप्स, तो सुपर करेक्ट सेट करके साथ में उसने रेपिटेशंस बढ़ा दिए, तो हाँ वो डिफिकल्ट हो रहा है। करेक्ट तो ऐसे सब करके थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली रनिंग तो यहाँ हो नहीं पा रही है क्योंकि आपके पास अगर ट्रेडमिल है तो आप कवर अप कर सकते हो, बट सब लोग के पास होगा नहीं। हाँ तो ये सभी सुपर सेट एक्सरसाइजेस करके हम लोग कोशिश कर करेक्ट रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे कवर अप करें, बट बेसिक वो अच्छा। तो मतलब बेसिकली यही है कि जो भी तुम जिम में करते थे वो घर में कर सकते हो, बट विदाउट एनी वेट्स, बट ज्यादा रेपिटेशन। सिंपल। वही हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग, मेरे को भी जानना था, यू आर अ बिग फैन ऑफ इब्राहिमोविच, ज्लाटान। सो आपकी एनीथिंग आवाज ही स्पेसिफिक? कम, पता नहीं क्या हो गया है, आवाज नहीं आ रहा मेरा? आवाज कम हो गया, बट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बट कोई नहीं, सुनाई दे रहा है अभी? रहने दो। अगर गायब हो गया तो फिर बहुत मुश्किल से होगा, तो ये हाँ, ऐसी मैं कुछ धीरे कर आवाज नहीं ही रहा हूँ, चलने मैं दो। कुछ कर नहीं रहा हूँ इसीलिए। तो जस्ट टेल मी अबाउट इब्राहिमोविच की, वो उन्होंने वो कैसे यार तुम्हारे उसमें जिंदगी में, मतलब हाउ इज ही एज एन इंस्पिरेशन, व्हाट हैज ही? यार फुटबॉल, फुटबॉल का तो आपको, आप तो ज्यादा फॉलो करते हो मेरे से, हाँ बट मैं कुछ प्लेयर्स को फॉलो करता हूँ। तो इसमें ये ज्लाटान का स्टोरी मुझे इसके लिए पसंद आया है क्योंकि बिंदास है, जो क्या बिंदास है एकदम, जो भी है फन बिंदास फन, तो है, पर वो थोड़ा अलग है कैरेक्टर, मेरा वैसा बहुत कैरेक्टर नहीं ज्यादा है। अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। हाँ, पर एक है कि उसको, मेरे को सिर्फ ये स्टोरी से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि उसको लोगों ने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं और सोचा कि वो कभी कुछ नहीं करने वाला है। तो हाँ वैसा मुझे, मेरे साथ थोड़ा शुरू में ऐसा होता था कि मुझे कोई गिनता ही नहीं था, सिमिलर तो इसके स्टोरी। लिए, हाँ, तो वैसा इसके लिए मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ अच्छा थोड़ा, अच्छा तो मुझे इसके लिए वो। और यार प्लेयर भी तगड़े हैं भाई तुम दोनों, तो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में चल रहा है तुम दोनों का। और मलिंगा, मलिंगा के बारे में व्हाट यू हैव टू से? अरे लोग मुझे बोल रहे हैं इंग्लिश में बात करो। अरे भाई हम इंडियन है, हिंदी में ही बात करेंगे भाई, तुम हमारे अरे को। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हाँ बोलेंगे यार इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, लोग मेरे को हिंदी। बोल रहे हैं इंग्लिश में बात करो। अरे भाई बस करो, तुम क्या जब टीवी पे इंटरव्यू देना होगा इंग्लिश में देंगे, ये हम घर में बैठे अभी। तो लसित मलिंगा, हाउ हाउ मतलब उन्होंने कैसे आपको, मतलब जब आप टीम में आए थे 2013 में, तभी आप मैचेस नहीं खेल रहे थे, आपने मतलब उस टाइम से लेके अभी तक, अभी 7 साल हो गया, 8 साल, 8वां साल है, 8 साल से आप उसके साथ हो, तो हाउ डू यू लुक एट हिम एज एन इंस्पिरेशन? मतलब क्योंकि बहुत सिमिलर तरीके का आप लोग का बोलिंग है। बोलिंग, बोलिंग एक्ट, मतलब जब वो आए थे, वैसे भी आपने देखा है उनसे कम्युनिकेशन करना तो कितना डिफिकल्ट है, वो तो सबको पता ही है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं, वो पता नहीं, मैं जैसे तैसे कुछ बात करता हूँ। बट लोग बहुत सोचते हैं कि ऐसा 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 हुआ है, मुझे यॉर्कर डालना उन्होंने सिखाया है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा है कि उन्होंने मेरे को जितना हो सके, वो माइंडसेट की बात है, आपने आपने देखा होगा जब वो मार भी खाते हैं अगर कभी, तो वो हंसते हैं कि भाई बिल्कुल क्यों हंस रहे हैं। तो मैं यूजुअली पहले जब खेलता था तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था खेलते हुए, तो हाँ वो मुझे ये बोल रहे थे कि गुस्सा होने से क्या होने वाला है, कोई फायदा होगा नहीं। बिल्कुल तो स्किल वाइज वो तो प्रैक्टिस जो साथ में की वो तो है, बट मेन चीज जितनी मेरी इंप्रूव हुई है वो माइंडसेट रिलेटेड बात है, क्योंकि क्रिकेट में सब प्रैक्टिस तो उतनी कर रहे हैं। अगर जिसका दिमाग एंड तक शांत रहने वाला है, जैसे हम लोग जिस पोजीशन में बॉलिंग करते हैं बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर गुस्सा हो गया तो फिर टीम को और प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली तो काम इक्वेशन अच्छा है उनके साथ काम और अभी भी माइंडेड। बात करते रहते हैं। हाँ, और आज जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हो तभी। एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो ये है कि जब बॉलिंग कर रहा होता हूं मैं, उनको एक दो बार बॉलिंग करने को आई है,
तो ये है कि बस मतलब बाउंसर बाउंसर जरा समझ के डालने को बोला है, ऐसे थोड़ा बाउंसर नहीं डालने, बस यॉर्कर डालो, बाउंसर नहीं डालना। हाँ पर ऐसे आउट हुआ नहीं अभी तक, वो बच गया अभी तक, अभी थोड़ा मेरे को एक्चुअली चहल को बोलिंग करनी, मेरे को चहल मैं भी यही चाहता हूँ आरसीबी के साथ जब मैच होगा, आरसीबी के सामने अगर मेरी बोलिंग आए तो मेरे को चहल को बोलना, चहल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि एक ओवर बचा के रखूं ताकि कि नहीं, क्योंकि वो यार जब वो बैटिंग को लेकर है ना काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया अभी वो, चहल उसने एक वो स्ट्रेट ड्राइव मारा इंग्लैंड में तब से थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो मैंने उसको ये बोला कि चहल छक्का कैसे मार सकता है, चहल अगर तू छक्का मार देगा तो उसके, मैं वही बोला कि मुझे उससे ऊपर जाना चाहिए, जिस दिन उसने छक्का मार दिया तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा वापस, पर वो सुन नहीं रहा बिल्कुल। ओ यार वो तो भूल ही गया मैं, चहल को बोलना चाहिए भाई तूने अभी तक एक भी छक्का नहीं मारा इंटरनेशनल क्रिकेट में, बुमराह ने मारा है वो भी जो अभी फिलहाल, पैट कमिंस, वो एक्चुअली पैट कमिंस को याद भी होगा, नंबर वन बॉलर है भाई, उसको याद भी होगा और वेट भी कर रहा होगा कि जब अगली बारी मेरी बैटिंग आएगी और अगर उसको बॉल डालना है तो मुझे तो पता ही है क्या आने वाला है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हुई। फिलहाल तो सबसे ज्यादा होप वही कर रहा होगा कि आईपीएल हो यार पैट कमिंस नेक्स्ट ईयर, तो भाई बड़ा ऑप्शन है, तो ये साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि मतलब आपका इतना बड़ा, आपको इतना अच्छा ऑप्शन गया आपका और आईपीएल ही ना हुआ तो थोड़ा फनी हो जाएगा, ये फनी हो जाएगा। How much you were looking forward to bowl with Trent Bolt? Trent Bolt बहुत interesting, बहुत वो जब दिल्ली में भी था तभी भी मेरी उससे बात हुई थी, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि उसको स्लोअर बॉल का वो कैसे प्रैक्टिस करे और वो सब, तो हमारी उस टाइम भी बात हुई थी, तो अभी जब हम मिल रहे थे न्यूजीलैंड में भी अभी मिल रहे थे तो तभी हमारा यही बात चल रहा था कि अगर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसने उसको हमेशा मजा आता है कि बॉम्बे में जब वो बॉल डालता है तो उसको बाउंस मिलता है और स्विंग होता है, वहाँ नया बॉल तो स्विंग होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग उसको था कि मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग बायस भी थे हमारे पास, क्रिस लिन, नेथन कुल्टरनाइल, तो काफी एक्साइटेड थे कि मतलब अच्छा टीम लग रहा है हमारा, टीम बहुत अच्छा था सीरियसली, मतलब आई वाज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमारा, हम इतने सालों से हम जो बोल रहे थे कि हमें एकदम लीथल कॉम्बिनेशन चाहिए नया बॉल का, वो इस साल हमारे पास था, और बैटिंग लाइनअप भी हमारा ऑलमोस्ट सेटल्ड ही था, और उसके बाद हमने क्रिस लिन को ऐड किया है, तो मतलब हमारा, हमने इस बार सारा बेसिस जो है हमारा जो भी था सब कवर किया हुआ था अच्छे से, तो इसलिए ये आईपीएल हमारे लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला था, बट एनीवे आई मीन लेट्स सी, बट ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी जो हुआ है वो हुआ है, बट इम्पोर्टेंट है अभी कि ये चीज खत्म हो जाए, वो तो क्रिकेट तो आ ही जाएगा वापस, अपने आप आ ही जाएगा बिल्कुल। और क्या था यार, आई मीन न्यूजीलैंड, आपने दो चार सवाल सोच के रखे थे मन में कि मैंने ये सवाल पूछना है, मैंने ऐसा ऐसे ही यार कैजुअल चैट था, ये इंटरव्यू जैसा नहीं करना था मुझे यार, नहीं बट क्योंकि ये तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मेरे को चहल ने नीचे लिखा है कि मेरे से ज्यादा रन बनाया है उसने, तो मुझे चुप कर जाना चाहिए, ऐसा कब उसने एक चौका मारा, वो भी मैं वो टॉर में नहीं था चहल ना, चल दोनों के बीच में कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा रन बनाएगा, एक साल के बाद हम लोग उसको ये करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर बैट्समैन है। और भाई हाँ यार, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं पूछना भूल गया यार, टीवी शोज और ये वो, यार मुझे पता है कि यार यू लाइक ऑल दिस टीवी शोज ये वो, फिलहाल आपके प्लेलिस्ट अपना लिस्ट में नंबर वन कौन सा चल रहा है भाई? टीवी शोज तो अभी वो आपने हॉटस्टार में पता है एक आया है कि स्पेशल ऑप्स, हाँ स्पेशल, वो इंटरेस्टिंग है, हाँ वो मुझे, वो मैं वो देख रहा हूँ, मैंने हो गए हैं 4-5 एपिसोड हो गए हैं अभी, बस खत्म होने आएगा 2-4 और, बट मैं अभी सब चीजों का सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने, मतलब सारे सीरीज के, मतलब अभी कुछ भी बाकी नहीं रखने वाला, अभी क्या करें, Amazon, Hotstar, Netflix, सब कुछ, मैं और आप भी कर लेते हैं, ऋषभ पूछ रहे हैं मुझे, ऋषभ कल बात करूंगा तेरे साथ भाई, तैयार रहियो। ऋषभ पंत क्या कर रहा होगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, पहाड़ पे गया हुआ है, उसका एक्चुअल घर वहां पर है ना, तो पहाड़ पे
उसने लिखा है कि हाउ यू बूम सर एंड रोहित सर. सर मतलब इतनी, चलो आपको तो इज्जत दी होगी, मुझे तो उसने अपने लाइफ में कभी इतनी इज्जत नहीं दी है जितना यहाँ ये झूठ लिख रहा है. बड़ा इंग्लिश झाड़ रहा है. अभी कल उससे बात करूंगा ना, पूरे इंग्लिश में बात करूंगा. आपके 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 वाइफ ने भी कमेंट किया है कि वो फ्लेमिंग हॉट चीटोस, फ्लेमिंग हॉट चीटोस तो पता नहीं कभी खाया ही नहीं मैंने. अरे बुमरा कोई बात नहीं यार, तूने खाया भी होगा तो उसमें क्या है यार. नहीं नहीं खा लेंगे, पर जब जब अवेलेबल होगा तब खा लूंगा मैं. सिक्स पैक लेके घूम रहा है, कभी कभी खा सकता है ऐसा कोई उसमें वो थोड़ी है. नहीं नहीं खाता ही हूँ, बट यहाँ ऐसे मिलता नहीं है ना, मतलब चीटोस के बारे में मैंने इतना देखा नहीं. पंत और चहल मेरा दिमाग खा रहे हैं इसमें. चहल तू, मैं वही देख रहा हूँ, लिख रहे हैं कुछ इसमें. अपने पिताजी को नचा रहा है यार, तेरे को शर्म आ रहा है कि नहीं? वो बोल रहा है कि आप और मेरा और चहल का कंपटीशन कर रहा है. बोलते हैं आप और मैं भी कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना मार सकता है, कितना मार आप लोग दोनों. वो यार तूने मूवी देखा है अपना, वो रन रन मूवी देखा है जो अभिषेक बच्चन और उसका मूवी है वो यार, उसमें एक कैरेक्टर है वो कौवा बिरयानी विजय राज. वो विजय राज चहल, चहल एग्जैक्ट कौवा बिरयानी उसका नाम रखा रखा. चहल नहीं, ऋषभ पंत. ऋषभ पंत बोल रहा है कि वो और आपका कंपटीशन करना है कि कौन सबसे दूर मार सकता है. पंत, अच्छा पंत बोल रहा है आप और वो. अच्छा मेरे साथ उसको करना है. हाँ साला एक साल हुआ नहीं इसको क्रिकेट खेल के, छक्के का कंपटीशन कर रहा है. उसको बोलता हूँ मैं भाई, मैं लोगों से पूछता हूँ, डाल दे उस पे डालता हूँ. लोगों से आप पूछोगे कि कौन ज्यादा दूर मार सकता है बॉल के को, अभी ये तो मतलब बेचारा वो फंस जाएगा. यार मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जब पंगा क्यों ले रहा है, फिर चुपचाप बैठ ना. अभी सब सब घर पे बोर हो रहे हैं. आई टॉक इन शुद्ध हिंदी ओनली. हाँ ये सब बीसी कर रहा है वो. ये चहल चहल तो होता ही है, चहल ऑनलाइन है, मैं ये सब देख रहा हूँ. आपने कितनी बार किया है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, ये मैंने ज्यादा किया नहीं है. मेरे साथ केविन पीटरसन ने किया, केविन पीटरसन ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू टॉक विद फ्यू ऑफ योर टीममेट्स. ऐसे ही लोगों, अच्छा लोगों कुछ तो मिले यार क्रिकेट का, वो लोग को आता है, वो लोग रेगुलरली अच्छे से कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा इसमें अनाड़ी है. हाँ अनाड़ी तो यार मतलब. अच्छा हिट, ये मुंबई इंडियंस ने भी कुछ लिखा है. मुंबई इंडियंस ने लिखा है कि हिटमैन के साथ पंगा पड़ेगा महंगा. ये इंटरेस्टिंग चीजें लिख रहे हैं लोग. अच्छा ये टाइम पास चल रहा है. और हार्दिक लोग कितने लोगों को, हार्दिक सर का आपने हार्दिक सर से बात की है? नहीं अभी नहीं किया यार, अभी वो पता नहीं किधर गायब हो गया. दोनों भाई लोग गायब है काफी ज्यादा. हार्दिक सर दोनों बात करूंगा धीरे धीरे लोगों से यार, अभी और क्या, घर में बैठ के कुछ तो करे टाइम पास. आवाज गया तेरा बुमरा, आवाज गया तेरा, पूरा गया, आवाज नहीं आ रहा है. हाँ अभी आया, आवाज आ रहा है. ये नीचे माइक्रोफोन है ना, उसमें अगर तूने हाथ लगाया तो नहीं आएगा आवाज. मैंने तो नीचे नहीं हाथ लगाया. हाँ नहीं वो शायद तो अभी ठीक है, आ रहा है आवाज. हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है. चहल पूछ रहा है मुंबई इंडियंस मिस कर रहा है मुझे. किसको, चहल को? चहल पूछ रहा है कि उसको मिस कर रहा है. अच्छा चहल को बोल बेटे, मतलब मन से वो वापस आना चाहता है. आरसीबी के पास जाएगा, ये मैसेज बोल दियो उसको. हाँ उसको वो ये कप्तान को बोलेंगे. अगर अगर मुंबई अगर हारता था, एक भी जीतता नहीं था, तो शायद मिस करते थे उसको. पर अभी हम जीत रहे तो हम क्यों मिस करें उसको भाई. वो सुन रहा होगा ये बात तो, वो बिल्कुल ही सुन रहा होगा. बैंगलोर में बैठ तो अच्छा है उधर. आपने उससे भी एक बार बात किया था ना? चहल से भी बात किया था, काफी 5-6 दिन पहले बात किया था. तो मैंने चहल तो हर रोज यही मिलता होगा ये टाइम पे, मतलब उसको अगर देखना हो तो हर रोज एवरी अदर डे तो लाइव होता ही होगा, तो उसको यही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके लिए. मेरा आइडिया ले लिया उसने. मैंने उसको बोला था कि मैं कुछ प्लेयरों के साथ करूंगा ऐसी बातचीत. अभी वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है ऑनलाइन जाके, ये वो सब.
मैंने उसको बोला थोड़े थोड़े टाइम अभी नई नई हॉबी लेनी है तो सोशल मीडिया को जाने दे, कुछ और ट्राई कर, और वो सुनता नहीं है। हमारे जितने भी लोग हैं अभी व्यूअर्स लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने हमको कभी ऐसे नहीं बात करते हुए देखा होगा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। भाई साहब, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जब हम अपने होटल में रहते हैं, हम अपने घरों में होते हैं। तो जो भी आप हमें सुनते हो इंटरव्यू देते हुए, वो इंटरव्यू है। तो ये हमारा घर का सीन है, घर का माहौल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप खाना वाना बनाना सीखा आपने? खाना वाना बना पाता हूँ यार मैं, बेसिक अपना ये जो है बना लेता हूँ। सैमी से हाय बाबा। उसको यार मच्छर ने काट लिया, देख उसके सर पे लाल हो गया। उसका मूड नहीं है। नहीं, उसका मूड कभी रहता है कभी नहीं। अभी यहाँ से जाएगी तो चिल्लाएगी बूम 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 करके। वो बोलती है तेरा, वो तो मेरे को वीडियो भेजा था। मैं वो बहुत मैंने रखा है वीडियो। बूम बूम वेस बूम बूम। नो, यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। पता नहीं यार, अभी उसका पूरे मूड पे डिपेंड है। वो भी खाना आप बना रहे हो खाना कि नहीं वो बताओ। हाँ, नहीं खाना नहीं यार, मेरी बीवी बना लेती है थोड़ा बहुत खाना वाना, मतलब पास्ता हो गया या फिर वेजीज हो गया, वेजी सैलेड। परसों उसने वेजी सैलेड बनाया था, वो बहुत अच्छा था, ऑलिव ऑयल के साथ। एंड झाड़ू कट का मैंने झाड़ू मारा अपने कमरे का, क्योंकि मेरे को अपना कमरा चाहिए साफ। बाकी तो मैंने नहीं किया कुछ। बाकी नहीं। बट हाँ, थोड़ा बहुत यार यहाँ वहाँ अभी यही सब कर रहा। उस दिन मैं जब पीटरसन से बात कर रहा था, उसके पहले मेरे को पूरा घर साफ कर रहा था मैं। 2.5 घंटा लगा यार मुझे साफ करने में। अरे हमको तो आदत ही, मैंने हमारे घर में बालकनी में गार्डन लगा, तो हाँ। गार्डन में वो अभी सेट ही हो रहा था, क्योंकि हम जैसे ही न्यूजीलैंड से आए तो नए घर में शिफ्ट हुए, तो काफी 95% चीजें हो गई थी, बट कुछ कुछ चीजें बाकी हुई, तो आधा गार्डन बना हुआ है अब। हाँ। अब तो ये लॉकडाउन आ गया तो वो गार्डन का माली मैं बन गया हूँ, क्योंकि और कोई चढ़ चढ़ के पानी डाल नहीं सकता है, तो मैं ही बना हुआ। तुम लोग वहां पर बड़े बड़े घरों में रहते हो, इधर हम अपार्टमेंट में फंस गए यार। इतना बड़ा भी घर नहीं है ये, बट तुम्हारे पास गार्डन वार्डन तो है ना यार? हमारे पास तो हाँ, बालकनी में है। हमारे पास व्यू है, हम ऊपर से हमको व्यू दिखता है अच्छा पूरे। नहीं यहाँ पे मैं तो सेकंड फ्लोर पे ही रहता, तो हम लोग का तो इतना कोई व्यू का ऐसा नहीं। हाँ, बट है यहाँ पे अभी, मतलब लोग अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि पर क्या करें, बस ये कुछ ये टाइम थोड़ा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओ घर में बैठ के, जो करना है करो, टीवी तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो, जो करना है करो, बट घर पे बैठ के करो जो भी करना है। घर पे बिल्कुल, घर पे ही बैठ के हम लोगों को घर के बाहर निकलना है, सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए। हमको घर के बाहर निकलना है, हमको अपना लाइफ आगे लेके जाना है। आज बेसिकली फर्स्ट फैलाने चाहिए वो रूमर्स जो फैलाते हैं कि ये है वो है ये है वो है। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये सब थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, और क्या, बस चहल की तरह मत सोचो। चहल को कुछ भी हो तो चहल को बीच में कॉन्वर्सेशन में चहल आ ही जाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा, वो अपने आप को ग्रेट समझता है यार। तुम लोग के लोगों किसी को पता नहीं है ये बात। अभी तो मैं लाइव भी बोल उसको बहुत मजा आता है उसमें, वो इसका इतना फ्लो में, वो आराम से उसको रोज वो इंस्टाग्राम, वो मतलब आगे जाके इन्फ्लुएंसर बन सकता है। जैसे उसका क्रिकेट खत्म होगा, किसको मिस कर रहे? मुंबई इंडियंस में से तो किसको मिस कर रहा है भाई? MI कैंप में से एक बंदा को अगर नाम ले, कैंप बेसिकली पूरा कैंप ही मिस हो रहा है। कि मैं सी ऑब्वियसली हर साल आते हो तो आप कुछ ना कुछ आपका ट्रेनिंग चालू हो जाता है, आप सीखते हो नया नया हर साल, क्योंकि हमारा स्टाफ भी ऐसा है। ये टीम, ये दो जो महीना था अप्रैल और मई, पूरा मतलब त्योहार का महीना होता है यार इंडिया में, तो IPL लोगों के लिए त्योहार जैसा ही है। बट एक फैमिली बॉन्ड जो बोलते हैं ना, वो बन 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 गया था हमारा यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से। वही वो मुझे बोल रहा था कोई के मैं तो आप तो और भी पहले से, 2013 के बाद ये पहला बार है कि अप्रैल और मई ऐसा टाइम है कि हम लोग घर पे, नहीं तो कभी घर पे ही नहीं होते। कांसी नहीं, मतलब आप तो बॉम्बे में होते हो बट फिर। अरे भाई IPL के पहले भी अप्रैल मई में हम कभी घर पे नहीं थे यार हमारा, या तो
कोई या स्कूल का टूर्नामेंट होता था या कोई जोनल टूर्नामेंट होता था, कुछ ना कुछ होता। अप्रैल मई में कौन घर बैठता है यार? आई थिंक जब भी हम स्कूल में थे ना तभी हम घर पे बैठते थे, क्योंकि वो समर हॉलीडेज होता था, समर वेकेशन। हाँ, पर तभी भी क्रिकेट तो खेलते होगे ना? क्रिकेट तो खेलते ही थे हम, बट चलो होप करते हैं यार कि ये सब बेटर हो जाए एंड होपफुली। पर अच्छा, लोग सुन तो रहे हैं, कम से कम चीजें हो तो रही है, तो काफी उससे फर्क पड़ रहा है। वो मुझे तो आज बुमराह हु इज द टफेस्ट बैट्समैन ही इज फेस्ड टू बोल टू फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। कौन है भाई टफेस्ट बैट्समैन टू बोल टू? हां आवाज गया बुमराह जरा वापस। अभी आ रहा है आवाज? आ गया आ गया। टफेस्ट बैट्समैन मतलब किधर का टफेस्ट बैट्समैन? इंडिया का टफेस्ट बैट्समैन के बाहर? इंडिया के बाहर पूछ रहे हो लोग? इंडिया के बाहर ऐसे मतलब दिन की बात होती है, कभी तो कोई भी मार सकता है ऐसा पता ही है। पर अगर एक मतलब डिफिकल्ट अगर है तो लास्ट में तो एबी को डिफिकल्ट होता ही है जब डालते हैं यार, यहां वहां करके कुछ भी मार देता है यार। फिर जॉस बटलर भी लास्ट में कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जॉस बटलर वो भी जो भी बैट्समैन साले चारों तरफ खेलते ना शॉट, वो डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कैप्टन कैप्टन भी यार तुम कहां कहां फील्ड लगाओगे यार? देखो आप लास्ट में बॉलिंग करते हो तो ऐसे कभी कभी तो कोई भी छक्का मार देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बट हम पर मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर इस बार आईपीएल हुआ तो चहल का याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? एक ओवर चहल को 100% और चहल को डालने का भी राउंड द विकेट आउट ही नहीं करना, ओवर द विकेट नहीं, उसको आउट नहीं करना है, उसको 6 बॉल खेलना है बस। वो नहीं, वो ये नहीं सुन रहा हूं। भी अगर हो गया ना अपील नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है छोड़ देंगे। शॉर्ट लेग टेस्ट मैच वाली फील्ड रख सकते हैं, टेस्ट मैच वाली फील्ड, लेग गली, एक शॉर्ट लेग सही है। स्लिप विप की भी जरूरत नहीं है, मैं चाहिए तो लेग साइड में 2 स्लिप लगा दूंगा। नहीं बट वहां पे 3 फील्डर नहीं हो सकते ना उससे यार, तो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं कुछ भी हो राउंड द विकेट डालने का, राउंड द विकेट उसको बॉडी लाइन बोलिंग तो थोड़ा वो पुल मारता है ना। अच्छा अभी ऐसे ही कुछ लिखेगा कि मैं पुल मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लिख लेंगे पुल मारता है कि नहीं, देखता हूं मैं पुल मारता है कि नहीं। देखा लिख रहा है, आया उसका कुछ आया, कुछ ना कुछ ब्रिंग इट ऑन प्ले, ब्रिंग इट ऑन ऐसा लिख रहा है। अच्छा बेटे ठीक है ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग हुआ। एक बॉल डाली थी अपने प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ फिर से आवाज गया। हेलो हाँ अभी आया। एक बॉल डाली थी धर्मशाला के नेट्स में तो खेला नहीं चला गया, और एक ही बॉल डाली उसमें बोल्ड भी हुआ, फिर बोल रहा है लाइट नहीं है, ये है वो है। हाँ नहीं नहीं मेरे को उसको देख, अच्छा अभी तो देख के रहूंगा। मुंबई इंडियंस का एक सवाल है कि वो ग्रुप डांस किसने कोरियोग्राफ किया था न्यूजीलैंड में? ग्रुप डांस ये आइडिया चहल का था वीडियो बनाने का, बट डांस तो हमने यार सामने देख के, एक कोई वीडियो था उसको देख के हमने कोरियोग्राफ किया, बट कोरियोग्राफर एक्चुअली मैं ही था, मैंने ही सबको बताया। तो पर आपने अपना चेहरा क्यों कवर कर दिया था? यार वो लोग ने मुझे बोला कि भाई थोड़ा स्वैग चाहिए ये चाहिए, तो मैं ऐसे एकदम थोड़ा सा स्वैग कवर कर दिया गया, बट हाँ अरे यार किसी को भी पता था कि वो मैं ही था करके यार मेरा। वहां से चहल को मोटिवेट और एक्चुअली गलत कर दिया, क्योंकि वो फालतू वीडियो डालता रहता है यार वो लोग, पे मेरे वजह से यार पता नहीं, मैं देखे नहीं है उसके इतने वीडियोस, बट वो कुछ 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 देखता हूँ मैं। नहीं बट ये टाइम पास है यार, जो भी हमने किया वो टाइम पास अच्छा था। नहीं नहीं वो काफी काफी लोगों ने फिर कॉपी किया था, मैंने ऐसा सुना। नहीं अच्छा टाइम पास था यार, थोड़ा लाइव क्रिकेटर्स का दूसरा साइड भी दिखना चाहिए यार लोगों को, तो व्हाई नॉट नेक्स्ट टाइम। अभी तेरी बारी है, यू मेरी ईशांत, मेरी क्यों, मेरे को फास्ट बॉलर का एक चाहिए यार डांस वैसा, तेरा ईशांत उमेश और शामी और उसमें मेरे को शामी भाई इंटरेस्टिंग हो कि शामी भाई क्या कर रहे होंगे। अभी बोले अरे रुक जाओ चाय पी के आऊंगा उसके बाद करो जो करना है। नहीं उनको तो बस हमें तो बिरयानी दे दो, बस हमें तो बिरयानी दे दो, खाएंगे बस, खा रहा होगा बिरयानी अभी और क्या यार। नहीं वो भी टिकटॉक पे, वो भी मुझे बोल रहा था चहल ने बताया था कि वो भी टिकटॉक स्टार है अभी।
सब लोग टिकटॉक स्टार है भाई. चलो एनीवे बूम टेक केयर. ओके मॉम डैड को मेरा हाय बोलना मेरी फैमिली की तरफ से. आप स्टे सेफ एंड टेक केयर. यस श्योर. एंड आई विल होपफुली सी यू सून. श्योर आई विल सी यू सून. ध्यान रखना और गुड लक टू यू. ओके बाय. गेट इन टच सून. बाय बाय बाय.